हेलो एवरीवन, स्टडी शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। वो क्या है? हाउ टू प्रिपेयर फॉर एनडीए एंड सीडीएस, एनडीए और सीडीएस की तैयारी कैसे करें। क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है? वो इसलिए क्योंकि इस तैयारी के बारे में बहुत ही ज्यादा मिथ्स हैं कि क्या हम बिना कोचिंग की तैयारी कर सकते हैं, क्या हम ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, अगर तैयारी करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए आज इसी बारे में बात करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो ठीक, आइए पहले हम क्या करते हैं, पहले इसका कट ऑफ देख लेते हैं। ये है एनडीए 2018 फर्स्ट का कट ऑफ। देखिए इसमें जो रिटर्न में है वो 900 में से 338 मार्क्स हैं, लगभग ईच सब्जेक्ट का 25%। और जो फाइनल रिकमेंडेड कैंडिडेट है, लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट है, उसका 1800 में से 705 मार्क्स है। और आइए अब जरा सीडीएस का देखते हैं। सीडीएस का ये 2019 फर्स्ट का लेटेस्ट रिजल्ट है, उसी का ही है। तो ये देखिए आईएमए में रिटर्न का जो है वो मार्क्स लगभग 116 है, आईएनए में 105 है, एयरफोर्स एकेडमी में 129 है, उसमें थोड़ा सा ज्यादा जाता है, और ओटी मैन और वुमेन के लिए 78 है, लगभग 25% हर एक सब्जेक्ट का। और इधर देखिए लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट का, इधर आईएमए में 242 है और ओटीए में 160 है। यहाँ देखिए आपको एक चीज लिंक मिलेगी अगर आप ध्यान से देखोगे, जो ये लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट है और इधर जो रिटर्न के मार्क्स है, और सेम गोज विद एनडीए, जो रिटर्न और इसके मार्क्स है अगर आप देखोगे तो ये फाइनल, अगर आप सबकी लिस्ट देखोगे जो फर्स्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट है और लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट है, उनके एसएसबी के मार्क्स में ज्यादा अंतर नहीं होता है। अंतर कहाँ होता है? अंतर होता है यहाँ रिटर्न के मार्क्स में। तो ये जो 338 रिटर्न के मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स है मिनिमम, तो अगर आप इसके थ्रू इतना लाके या 350-400 नंबर लाके आप एसएसबी देने जाते हो, इनके से अगर आप रिकमेंड भी हो जाते तो आपका मेरिट लिस्ट में आने का बहुत ही कम चांस है। तो अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो कम से कम आपको 650 टारगेट करना पड़ेगा, तभी आप आ पाओगे। क्योंकि अगर आप देखोगे एसएसबी के मार्क्स देखोगे तो वहां एसएसबी में मार्क्स नहीं मिलते हैं। बहुत ही ज्यादा फर्स्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट का और लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट का आप वेरी करोगे, कंपेयर करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ज्यादा अंतर नहीं होता, 20-25-30 मार्क्स का ही अंतर होता है। इतने मार्क्स के अंतर में आप 350-400 मार्क्स लाके पेपर नहीं निकाल सकते हो। तो अगर आपको पेपर निकालना है तो कट ऑफ से बहुत ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे और बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो चाहे फिर एनडीए हो या सीडीएस हो। तो आइए अब बात करते, देखिए बुक कौन सी पढ़नी है, मेन क्वेश्चन आता है ये, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और किससे पढ़ना है। तो आइए आप इसके बारे में बात करते हैं। देखिए आप करते हो क्या, हो जैसे ही तैयारी करने का सोचते हो आप गूगल करते हो एनडीए या सीडीएस के लिए किताब, तो कौन सी सामने आती? पहली ये, एक ये लूसेंट आती, दूसरी ये पाथफाइंडर। क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये किताब ले लेते हैं, उसके बाद एक ऐसी ओवर कॉन्फिडेंस सी कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, जो क्या कहते हैं कि हम 75-85% सवाल उनके पढ़ाई से ना आए तो उनको क्या करो, जिंदा जला दो। ऐसी इतनी ओवर कॉन्फिडेंट एक कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं जो 1-1.5 महीने में हमें ऑफिसर बनाने की बात करते हैं। उसके बाद हम जाते हैं पेपर देने, पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये देखिए, ये 2019 सेकंड जो हुआ है अभी, उसका लेटेस्ट पेपर का एक क्वेश्चन है ये, वीरशैवा ट्रेडिशन इन कर्नाटका, इस पे सवाल पूछा गया था। क्या सवाल था? वीरशैवा मूवमेंट लेड बाय ब्राह्मणा नेम भासुना आर मिनिस्टर इन कोर्ट ऑफ कलाचुरी रूलर इन 12th सेंचुरी। सेकंड स्टेटमेंट क्या था? वीरशैवा इनकरेज प्रैक्टिसेस अप्रूव्ड बाय धर्मशास्त्र लाइक पोस्ट पुबर्टी मैरिजेस रीमैरिजेस और वीडोस, ऐसे क्वेश्चन आए थे। और कैसे क्वेश्चन आए थे एक ये भी देखिए, इसी बार का पेपर का है, नेहरू मालनोविस की इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी के बारे में क्वेश्चन था। दूसरा क्या आया, एक और क्वेश्चन जो है ये पूछ लिया गया था रशियन रेवोल्यूशन में। हम पढ़ के क्या गए थे, पढ़ के गए थे लूसेंट और पाथफाइंडर। क्वेश्चन कैसे आ गए, ऐसे नेहरू स्ट्रेटजी पे, मालनोविस स्ट्रेटजी पे और रशियन रेवोल्यूशन जैसे क्वेश्चन आए। फिर एग्जाम में हमारा क्या होता है, हमारे आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि पढ़ के तुम लूसेंट से आए थे, पेपर किससे आया पता नहीं। तो फिर आता है रिजल्ट, रिजल्ट में क्या होता है, पिताजी बोलते हैं रहने दो बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो इससे पहले ये नौमत आए तो हमें क्या करना है, सही ट्रैक पकड़ना है, सही सोर्सेज पकड़ने हैं, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसका सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो आइए बात करते हैं कि किससे पढ़ना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहले ये जो किताबें हैं पाथ फाइंडर और लूसेंट जैसी और ये ओवर कॉन्फिडेंट कोचिंग, इनको क्या करना है छोड़ना है। फिर क्या करना है, किताबें लेनी है।
तो भैया बात करते हैं कि किताबों से क्यों पढ़ना है, क्योंकि बाकी कोचिंग वाले तो 1.5 महीने में हमें अफसर बना रहे हैं, तो हम वहां से कर लें, किताबें क्यों पढ़नी है। देखिए 1.5 महीने में यूपीएससी का कोई भी एग्जाम, सबसे सस्ता सबसे आसान एग्जाम जो होता है यूपीएससी का वो एनडीए होता है, एनडीए भी निकालना पॉसिबल नहीं है 1.5 से 2 महीने में। तो इन सब चक्करों में अपना को किताबें तो पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि नंबर यहाँ 350 का नहीं है, 650 का है, कम से कम 650 लाने पड़ेंगे। तो आइए बात करते हैं पहले कौन सी पढ़नी, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में एक आपकी ये है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय जीसी लियोन, तो ये आपको किताबें लेनी है। देखिए हिंदी और इंग्लिश के लिए सारी किताबें मिल जाएंगी आपको, इतनी भी किताबें हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है सिवाय इसके, ये जीसी लियोन, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में मिलेगी। बाकी सारी जितनी भी मैं किताबें बता रहा हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से ले सकते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में। और दूसरी कौन सी लेनी है, मैप के लिए, मैप के लिए आपको ये लेनी है ऑक्सफोर्ड एटलस स्कूल की। अब भैया बात करते हैं कि ऑक्सफोर्ड एटलस क्यों लेनी, मैं तो पास आउट हो गया हूँ, कॉलेज में चला गया हूँ, स्कूल 12th निकाल लिया, तो एटलस स्कूल की क्या जरूरत है, तो आइए उस पर भी देखते हैं। देखिए जैसे ये मैप बेस्ड क्वेश्चन आया 2019, इसी के रेफरेंस में ले रहा हूँ ये, इसलिए क्योंकि ये सबसे लेटेस्ट पेपर था। क्या पूछा गया था, प्रदीप पोर्ट किस रिवर डेल्टा पे है। दूसरा सवाल क्या था, रिवर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूरोप आर गुड एग्जाम्पल ऑफ, ये भी एनडीए में पूछा गया है। फिर क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशन करंट इज अ कोल्ड करंट, ये भी एनडीए इसी बार पूछा गया है। फिर ये देखिए ये सीडीएस 2020 फर्स्ट का है, क्या पूछा गया है, एक ये पूछा गया है, इन द रीजन ऑफ ईस्टर्न शोर ऑफ एड्रियाटिक सी अ कोल्ड एंड ड्राई विंड ब्लोइंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन इज नोन एज, ये देखिए। फिर नाइशी ट्रैप के बारे में पूछा गया है। फिर क्या पूछा गया है, रिवर गंगा को कौन सी रिवर डायरेक्टली ज्वाइन करती है, ठीक है ये हो गया। तो ये सारे क्यों बता रहा हूँ क्वेश्चन, देखिए ये सारे क्वेश्चन आप देखोगे ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपके मैप के कॉन्सेप्ट क्लियर थे, आपने मैप एटलस पढ़ी होगी, तो क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन जाएंगे। और अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो आपको पता लग जाएगा, आप देखोगे नोटिस करोगे कि लगभग 6 से 7 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में डायरेक्ट मैप बेस्ड आते हैं, और अगर आपकी मैप लोकेशन अच्छी होगी तो 8 से 10 क्वेश्चन आप बना लोगे। इसलिए ये मैप प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, इसके लिए मैंने लेक्चर भी बनाए हुए हैं, उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उससे भी आप तैयार कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी के लिए और इंडियन ज्योग्राफी के लिए कौन सी किताब लेनी, ये देखिए क्लास 11th की एनसीईआरटी है, ये आपको पढ़नी है, ये आपको फ्री में भी मिल जाएंगे एनसीईआरटी की वेबसाइट से, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिटी के बारे में, तो देखिए पॉलिटी के बारे में ये इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, और जो हिंदी वाले उनके लिए भारत की राज व्यवस्था। देखिए जो एनडीए के लिए है उनको बहुत ही सिलेक्टेड पढ़ना है, क्योंकि ये काफी बल्की किताब है, एनडीए को इतना नहीं पढ़ना है एनडीए वालों के लिए, तो उसको लिए कितना पढ़ना है उसके लिए मैं रेगुलर लेक्चर अपडेट करता रहूंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आपका टाइम सेव हो। और जो सीडीएस और सीएपीएफ के लिए उनको काफी डिटेल में पढ़ना है, उनके लिए भी मैं अपलोड करूंगा लेक्चर, तो उनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है ये किताबें। अब आइए आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की, मॉडर्न हिस्ट्री की। तो देखिए ये दो किताबें हैं, ये दोनों आपको नहीं लेनी है, जो एनडीए के लिए है वो ये वाली किताब लें, मॉडर्न इंडिया क्लास 12th की ओल्ड एनसीईआरटी है बाय विपिन चंद्रा, तो ये आपको दुकान में नहीं मिलेगी, मुश्किल है मिलना, तो ये आपको ऑनलाइन ही लेनी पड़ेगी। ऑनलाइन के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप वहां से ले लीजिएगा। और जो सीडीएस के लिए उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा आप ये लो, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये काफी बेटर है, सीडीएस सीएपीएफ में भी आपके लिए काम आ जाएगी, तो ये आप लो। अब आइए बात करते हैं मेडिवल और एंशियंट इंडिया के बारे में, तो ये दोनों जो है एनसीईआरटी है क्लास 11th की। तो मेडिवल इंडिया के लिए आपको ये वाली एनसीईआरटी लेनी है ओल्ड एनसीईआरटी, और एंशियंट इंडिया के लिए भी आपको ओल्ड एनसीईआरटी लेनी है, एनडीए सीडीएस दोनों को, जो प्रिपरेशन करूँ दोनों को ये किताबें लेनी है। ये भी आपको स्टॉल में नहीं मिलेंगी, दुकानों पर नहीं मिलेंगी, मुश्किल है, तो आप ऑनलाइन ले सकते हो, इसके बारे में भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अब आइए बात करते हैं साइंस के लिए। देखिए एनडीए और सीडीएस में साइंस एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, अगर आपने इसके क्वेश्चन गलत कर दिए तो सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि हमें 9th की एनसीईआरटी और 10th की क्यों पढ़नी। भाई मैं तो एनडीए के पेपर देने जा रहा हूँ, 12th क्वालिफाई कर लिया है मैंने, और मैं बीएससी और बीटेक करके सीडीएस का पेपर देने जा रहा हूँ, तो मुझे 9th और 10th की एनसीईआरटी की क्या जरूरत है। तो यहाँ जरूरत है, वो क्यों है, देखो अगर आप पेपर नोटिस करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे, तो आपको पता लगेगा क्वेश्चंस जो है
बहुत ही बेसिक लेवल पे पूछते हैं कभी कभार। होता क्या है कि हम ऊपर ऊपर का पढ़ लेते, बेसिक्स हमारे क्लियर नहीं होते तो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं, तो ऐसी बड़ी गलती नहीं करनी है। तो इसलिए आपको ये किताब पढ़नी ही पड़ेगी। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे 2016 या 17 CAPF के पेपर में पूछा गया था मैटर्स की कितनी स्टेट होती है। ऑप्शन में था ऑप्शन ए 2 स्टेट, ऑप्शन जो बी था 3 और ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। ज्यादातर लोगों ने सी ऑप्शन लगाया था 3 स्टेट और कुछ लोगों ने 4 लगाया था, लेकिन आंसर उसका क्या था 5। तो वो कहां दिया गया है, क्लास 9th की आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे, पहले ही चैप्टर में नीचे बॉक्स में बना हुआ है बीईसी के बारे में, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन, जो कि 5वीं स्टेट है मैटर की। तो इस वजह से आपको ऐसे थोड़े बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आपके पढ़ना बहुत जरूरी है, तो ये आप जरूर पढ़ना। बाकी बात करते हैं जो एनडीए के लिए, उनके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का काफी मेजर रोल प्ले करता है। देखिए जो एनडीए के लिए है उनमें 12th की मैथ आती है, और जो फिजिक्स है उसमें जो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको सर्किट दे दिया गया उसमें करंट रेजिस्टेंस वोल्टेज निकालना, तो वो बहुत ही बेसिक लेवल पे आता है। आपको करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं, तो उसमें जो सिलेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछते हैं सर्किट पे करंट और वोल्टेज निकालने के लिए, और जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो आपको अपनी क्लास टेक्स्ट बुक से जो आपकी क्लास में चल रही हो 11th 12th में उससे ही पढ़ने हैं। इसमें और कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप और कोई किताब पढ़ने बैठोगे तो उसमें ही टाइम वेस्ट कर दोगे। तो जो आपकी क्लास टेक्स्ट बुक है सिर्फ और सिर्फ उसी को ही पढ़ना है। तो आइए अब आगे बात करते हैं। देखिए पढ़ने से पहले ये आपको प्रीवियस ईयर पेपर बहुत जरूरी है देखना। देखिए आपको क्या करना है, upsc.jb.in पे जाना, यहाँ पे फ्री में पेपर मिल जाएंगे, आपको डाउनलोड कर लेना। ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्यों नहीं करूंगा, जब फ्री में आपको पेपर मिल रहा है, फ्री में कोई काम हो रहा है तो पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो इन केस अगर आपको स्क्रीन में या लैपटॉप मोबाइल में पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो आप ये ले सकते हो, अदरवाइज मैं तो ये रिकमेंड करूंगा आप पेपर डाउनलोड कर लो, देखो, और कम से कम कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आप 4 से 5 बार प्रीवियस ईयर पेपर उस टॉपिक के देखो। क्यों करना है ऐसा, मैं 4 से 5 बार क्यों करना है, क्योंकि इतने में तो कॉपी पढ़ लेंगे, कोई बुक पढ़ लेंगे, पेपर ही क्यों पढ़े। देखिए होता क्या है, जब हम बिना प्रीवियस ईयर पेपर देखे कोई भी किताब या कोई भी टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं तो हमें ये पता ही नहीं रहता जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है। कई बार होता है इम्पोर्टेंट चीज हम छोड़ देते हैं, और कई बार होता है जो इम्पोर्टेंट नहीं होता वो पढ़ लेते हैं, तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। जब आप पेपर 4 से 5 बार आप देख लोगे किसी भी टॉपिक के, और जब आप बुक पढ़ने बैठोगे तो आपको पता चलेगा कि जो हम अभी तक इम्पोर्टेंट समझ के पढ़ रहे थे वो हमें नहीं पढ़ना था, और जो छोड़ रहे थे कई टॉपिक ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट थे। तो इसलिए आप कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, कोई भी बुक पढ़ने से पहले सबसे पहले 2 या 3 जितनी बार हो सके प्रीवियस ईयर पेपर देखो, तो ये सबसे जरूरी चीज है, ये चीज आपको करनी है बुक्स में। अब आइए बात करते हैं जो मिसलेनियस टॉपिक है, जैसे करंट अफेयर भी पूछते हैं और डिफेंस रिलेटेड न्यूज भी पूछते हैं, जैसे कमांड्स हो गए, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो गई, और अलग अलग फोर्सेज और वेपन्स के बारे में भी पूछते हैं, और रिटर्न निकालने के बाद SSB भी आती है। तो इनका क्या करना है, देखिए मैं करंट अफेयर पे लेक्चर अपडेट कर ही रहा हूँ, और अगर आप इसको खुद से करने बैठोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारी कमांड्स है, मिलिट्री एक्सरसाइज और वेपन ऑफ फोर्सेज है, इनको आप गूगल से करने बैठोगे तो आपको टाइम लगेगा, और इतना टाइम आपके पास है नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो मेरी आने वाली भी है इस पे, तो जितना भी ये वाला पोर्शन है आपका बहुत ही डिटेल में मैं कवर करूंगा, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जहां तक बात रही SSB के टॉपिक्स के बारे में, तो देखिए जब आप SSB देने जाते हैं तो वहां पे GD होते हैं, 2 GD होती है, लेक्चरेट होता है, और आपका इंटरव्यू सेशन भी होता है, तो वहां पे करंट के टॉपिक की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है, वहां पे पूछते हैं। तो जितने भी करंट पे सिचुएशन चल रही होती है, जो भी चल रहा होता है करंट में, मैं उस पर टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ, तो वो आपको देखते रहने, और न्यूज़पेपर एक पढ़ना है कोई भी। अब आइए आगे बात करते हैं, तो इन सब प्रिपरेशन में स्टडी शिक्षा आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। तो देखिए ज्योग्राफी के लिए आपको 6 से लेकर 10 तक और 12th की जो NCERT डेमोग्राफी और सेंसस के बारे में इसमें बात किया, ये भी आपको पढ़नी होती है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करिए पढ़ने के लिए। क्यों, क्योंकि 6 से लेकर 10 तक और 12वीं और 11वीं की भी दोनों मैं कवर करूंगा फ्रॉम कवर टू कवर, पेज टू पेज, तो ये जितना भी पोर्शन है आपका उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसकी मैं हर एक इंडिविजुअल क्लास की और इंडिविजुअल बुक की NCERT की वीडियो बनाऊंगा। और बात करते हैं इन्वायरमेंट के लिए, इस समय ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, NDA हो, CDS हो, CAPF या UPSC,
क्योंकि इन्वायरमेंट में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो हर एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी मैं कवर करूंगा। उसके बाद हिस्ट्री की जितनी भी एनसीईआरटी है वो मैं पढ़ाऊंगा और इकोनॉमिक्स पे क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगर आप साइंस साइड से हैं तो ये चीज आपने नहीं पढ़ी होगी और इस पे लेकिन सवाल आते हैं, एनडीए में भी आते हैं, सीडीएस और सीएपीएफ में भी आते हैं सवाल। तो जितना भी बेसिक है जो भी पूछा जाता है वो सब मैं कवर करूंगा, उसके लिए वीडियो बनाऊंगा और 9th 10th के एनसीईआरटी भी कवर करूंगा। अब देखिए जो एनडीए के कैंडिडेट हैं और जो सीडीएस के लिए हैं उनके लिए बायो भी पूछता है। उसमें क्या होता है क्लास 12th की बायो की एनसीईआरटी के लास्ट के कुछ चैप्टर है, चैप्टर 9 से लेके 16 तक, ये काफी इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब आप ये भी पढ़ोगे तो कितना पढ़ पाओगे, तो इसमें करना क्या, ये जो है लेकिन जितने भी ये चैप्टर है 6 से लेके 16 इसमें सिर्फ और सिर्फ 20% काम का है, 80% काम का नहीं है आपका। तो इस पे मैं खुद वीडियो बनाऊंगा ताकि आपका जो टाइम वेस्ट होगा ये सब पढ़ने में वो आपका बच जाए, तो ये मैं कवर कर दूंगा। बाकी करंट अफेयर और डिफेंस न्यूज आपको बता ही दिया है, मैं कवर करूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि आप दूसरे लोगों को शेयर करेंगे तो वो भी जो गलती करते हैं वो गलती करने से बचेंगे। बाकी इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।